किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोदी केयर 11 प्लान के बारे में, कि अगर आप मोदी केयर में रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं मोदी केयर के। मोदी केयर में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो है आपको हर एक परसेंटेज जो होता है, हर एक परसेंटेज पर एक एक लेवल होता है। तो आज इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और जानिए कि किस तरीके से आप एक परसेंटेज लेवल पे जो है इस जो है अपनी जॉब को या अपने प्रोफाइल को कौन सा वाला टाइटल आप अचीव करेंगे इस वाले परसेंटेज लेवल पर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम जानते हैं, सबसे पहले इसको करने के लिए आप एक वर्ड ज़रूर समझिए, APB। इस APB का क्या मतलब होता है? APB को जानने, APB का मतलब होता है आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बेस पर ही आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आप जो है लेवल वाइज जो अपना टाइटल अचीव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टाइटल। यहाँ पर हम लिखते हैं APB, APB रेंज। यहाँ पर हम लिखते हैं APV रेंज। और यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ लेवल अचीव। ये चीजें होती हैं, टाइटल, APV रेंज, APV रेंज और परसेंटेज ऑफ लेवल अचीव। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जानने की क्या चीज़ होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं मोदी केयर के अंदर, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या मिलता है, कुछ पॉइंट मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। और बिजनेस वॉल्यूम जितना बनता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कुछ पॉइंट वैल्यू होते हैं। तो जो बिजनेस वॉल्यूम और पॉइंट वैल्यू का क्या रेशियो होता है, PV रेशियो BV इज इक्वल टू 1:27:1, या फिर BV/PV इज इक्वल टू 1/27। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो PV इज इक्वल टू 27 BV। ये इक्वेशन बनती है आपकी कि जो BV और PV का जो रेशियो है वो 1:27 का है। एक PV के अंदर आपके 27 BV होते हैं। और PV की फुल फॉर्म होती है आपका पॉइंट वैल्यू, और BV होते हैं आपके बिजनेस वॉल्यूम। PV मतलब पॉइंट वैल्यू और BV मतलब बिजनेस वॉल्यूम। अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइटल्स को अचीव करने के लिए एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस की रेंज कितनी होनी चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग APV की रेंज कितनी होनी चाहिए और कौन सा परसेंटेज आपका इसमें अचीव होगा। कंसल्टेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो कंसल्टेंट लेवल के लिए आपका APV रेंज क्या होना चाहिए? कंसल्टेंट लेवल के लिए आपका APV रेंज होना चाहिए 7524 तक आपका APV रेंज होना चाहिए। और APV रेंज कितनी होनी चाहिए आपकी? 1 से लेकर 300 के बीच। तो इसके अंदर जो परसेंटेज बैठेगा आपका, यानी कि आपका जो लेवल अचीव होगा वो किस परसेंटेज का होगा, वो होगा आपका 7% का। तो ये हो गया आपका कंसल्टेंट लेवल। दूसरा लेवल आता है आपका सीनियर कंसल्टेंट का। सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर क्या ABV रेंज होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7525 से लेकर 30024 तक। जहाँ आपकी 7524 से ऊपर हुई रेंज, 7525 से लेकर 30024 तक। और APV रेंज कितनी होनी चाहिए आपकी? APV रेंज होनी चाहिए आपकी 301 से लेकर 1200 के बीच।
यहाँ ये जब लेवल आपका अचीव हो जाएगा तब आपका जो परसेंटेज लेवल बैठेगा वो बैठेगा 10%, 10%। तो यानी कि कंसल्टेंट लेवल का हो गया आपका एक एक से लेकर 7,25,524 और APV रेंज 1 से 300 7%, और सीनियर कंसल्टेंट का हो गया 7,525 से लेकर 30,024 ABV रेंज और 301 से लेकर 1,200 यानी 10%। और तीसरा आता है आपका एसोसिएट सुपरवाइजर, एसोसिएट सुपरवाइजर के लिए जो APB रेंज रहेगा यानी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का रेंज रहेगा वो कितना रहेगा, 30,025 से लेकर 67,524 तक, 30,025 से लेकर 67,524 तक आपका APB रेंज रहेगा, और 1,201 से लेकर 2,700 तक आपका APB रेंज रहेगा, और ये लेवल जो होगा परसेंटेज लेवल आपका होगा 13%। उसके बाद आता है चौथा आपका डेप्यूटी सुपरवाइजर, डेप्यूटी सुपरवाइजर के लिए जो APB रेंज है वो कितना रहेगा, वो आपका 67,525 से लेकर 1,12,524 तक, और ये कितना रहेगा, ये रहेगा 2,701 से लेकर 4,500। यहाँ जो परसेंटेज लेवल होगा आपका 16%। उसके बाद आता है आपका चौथा फिफ्थ नंबर आ गया आपका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का जो लेवल होता है वो कितना एबीबी रेंज क्या रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा 1,12,525 से लेकर 1,50,524 तक, और बीवी जो एबीबी रेंज रहेगा वो कितना रहेगा, 4,501 से लेकर 6,000, और जो लेवल है उसका परसेंटेज लेवल 19%। सुपरवाइजर के बाद आता है सिक्स सीरियल नंबर पर आता है आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर का जो ABV रेंज है यानी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस रेंज जो है वो कितना है, 1,50,525 प्लस इससे ऊपर, और 6,001 प्लस APV रेंज, और जो परसेंटेज लेवल है वो इसका आपका 22%। तो टोटल टाइटल्स कितने हो गए डायरेक्टर लेवल तक मोदी केयर के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 लेवल हो गए। ये 6 लेवल का जो टाइटल्स है ये शुरू का जो है इसको बोलते हैं मोदी केयर लेवल प्लान। इसके बाद जो होता है डायरेक्टर लेवल प्लान स्टार्ट हो जाता है मोदी केयर के अंदर। डायरेक्टर लेवल प्लान के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊँगा, फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आप इस चीज़ के बारे में एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट नोटिस दे देता हूँ कि अगर आप इसमें एक होती है डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम परचेज, एक वर्ड आता है मोदी केयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम परचेज, तो डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम परचेज एक जो वर्ड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप मोदी केयर के अंदर शॉपिंग करते हैं आपको ये होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि मिनिमम परचेज कितनी करनी चाहिए। तो आपको अगर आप 7% पर हैं यानी आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको मिनिमम परचेज 300 BV तक की तो करनी ही चाहिए। 300 BV से कम की करेंगे तो जो आपका जो चेक होगा वो क्या होगा, आगे के मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो आपका अगर 100 रुपये से कम तक का चेक बनता है आपकी परचेज पे, तो 100 रुपये का जो कम का जो चेक होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इतनी शॉपिंग करनी पड़ती है कि जो आपका जो चेक है वो 100 रुपीज़ से ऊपर का बन जाए। तो मिनिमम परचेज हो गया 300 BV 7% के लिए। और अगर आप डायरेक्टर लेवल पर हैं, डायरेक्टर लेवल के लिए 600 BV आपका मिनिमम डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम परचेज होना चाहिए, यानी आपकी मंथली परचेसिंग कम से कम नहीं तो 600 BV होनी चाहिए एटलीस्ट। तो 7% के लिए आपका हो गया मिनिमम परचेज 300 BV, और डायरेक्टर लेवल के लिए आपका
600। ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान में रखनी है, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम परचेज, डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम परचेज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यू हैव दिस ऑल थिंग्स यू विल नीड टू कैप इन योर माइंड व्हाइल यू आर परचेसिंग एनी प्रोडक्ट्स इन द मोदी। तो ये सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताया कि ये टाइटल्स हैं, ये बीबी रेंज है, ये बीबी रेंज है, और ये परसेंटेज लेवल है। डायरेक्टर लेवल के बाद आपको नया लेवल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम डायरेक्टर लैग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर अब डायरेक्टर से जो भी सीनियर लेवल पोस्ट होती है, जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और उससे भी और ऊँची ऊँची पोस्ट होती है, उसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियो में सारी डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। इस मोदी केयर लेवल प्लान को आप अच्छी तरह दिमाग में रखकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं मोदी केयर के अंदर, और जितने भी मैंने वीडियो के बारे में शुरू से लेकर एंड तक जो जो इम्पोर्टेंट नोटिस, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन सब चीज़ों का दिमाग में रखते हुए मोदी केयर बिजनेस आपका स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।